हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और कार्ड आया है हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में अपने प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को अंदर से शांत करना चाहिए। जिस भी समस्या का हल आप बाहर ढूंढ रहे हैं उस समस्या का हल आपके अंदर निहित है। प्रेयर्स में हम डिवाइन से बात करते हैं और जब हम मेडिटेशन की अवस्था में आते हैं तो डिवाइन हमसे बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जीरो हो जाता है। जो अंदर से शांत होगा वो अपने अंदर आ रही आवाज को, जो डिवाइन की आवाज होती है, उसे सुन पाता है। लेकिन जो अंदर से शांत नहीं है वो बाहर से शोर को ही सुनकर फिर गलत चीजें ही करेगा। आपके साथ डिवाइन है, आप जब भी डिवाइन से कनेक्ट करेंगे आपको आपके आंसर्स मिलने लगेंगे, आप विविड एक्सपीरियंसेस करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो हो रही हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस, डिवाइन की गाइडेंस, इवन ड्रीम्स के जरिए आपको बताना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना, ये सारी चीजें मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस में रहती है हमेशा। आप अपने आप से मेडिटेशन करना शुरू करें। अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आती है, मेडिटेशन बहुत लोगों को लग सकता है कि मैम आंखें बंद करके बैठा नहीं जाता है, नींद आती है। देखिए, नींद आने का मतलब आपका दिमाग सो रहा है और मेडिटेशन मतलब आपका दिमाग उठा हुआ है। जब आप चेतना अवस्था में मेडिटेशन में जाते हैं आपको पता है कि अब आपको क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या आप डिवाइन में हैं, डिवाइन आप में है। आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं कि साउंड को सुनते सुनते आप ध्यान में चले जाएंगे। अगर आप नया नया प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और इवन अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा सही प्रैक्टिस में हैं तो आप बिना साउंड के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन सोना गलत है, जो सो गया वो खो गया इस माया में। और मेडिटेशन सातवां द्वार है आपको जागृत करने का। आप मेडिटेशन करेंगे तो डिविनिटी को अचीव करेंगे। मेडिटेशन में अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उस एनर्जी को बाहर भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है? पूर्ण साधु योग। आपकी क्वालिटी सेज जैसी हो गई है, आप डिवाइन के साथ कॉन्टिन्यूटी में आए हैं, एनर्जी से अलाइनमेंट में आए हैं। जब वो एनर्जी अलाइनमेंट में होगी आपके अंदर तो आप बाहर भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर क्या है, माया की पकड़ कम है। लेकिन अगर मेडिटेशन करने के बाद भी दुखी हैं, अलाइनमेंट में नहीं हैं, इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो साधु तत्व को ही अचीव कर ले, जो साधक ही हो जाए, उसको फिर कैसा गम। ठीक है, तो मेडिटेशन करिए, अपने आप को जागृत कीजिए जिससे आप अपने डिवाइन के साथ कॉन्टेक्ट में आए और आपको अपने प्रश्नों के सभी आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिले। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावरफुल होता है मेडिटेशन करने से, आपको होने वाली चीजों का आभास हो जाता है। बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो 3D लेवल के नहीं होते, सब ऊपर के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन जरूर करें, अपने आप को समय देंगे तो जिंदगी में पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। वरना रोज ही 3D है, रोज ही रोना धोना है, रोज ही एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन खुद से कनेक्ट कीजिए, वही आपके लिए सब कुछ है। सो गाइज, ये था आज का डिवाइन संदेश। होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।